आप लगाते हैं जब, ये जितनी यहाँ पे कुछ कोर्ट फीस जो है वो आपकी फिक्स्ड है, कुछ एड वेलरम है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी कोर्ट फीस लग रही है। ठीक है, जी सर। सर ये और मतलब वकील को हटा में लेते हैं, मेरे सामने की बात है। क्या लेते हैं, ये जो कोर्ट फी लिखी हुई है ना, वकला तो हजारों में लेते हैं कि भाई हमारी फीस ये है। और वो दूसरी भाई कोर्ट वो फीस आप, होती है। हाँ सर वो होती है, वो कुछ स्पेशल फीसेस होते हैं सर। वो एक्चुअल कोर्ट फीस होती है। आप स्पेसिफाई कर दे कौन से। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें, एक कोर्ट फीस होती है जो आप फॉर्मली पे करते हैं, एक वो होती है जो होती तो इनफॉर्मल है लेकिन एक्चुअल कोर्ट फी वो होती है। सही है। तो उसकी बात कह रहे हैं, कलर की फी की बात कर रहे हैं। मैंने इसके अलावा थोड़ी कोई बात की है। मैंने जो बात की उसको आप समझ गए हैं, और लेकिन बहुत सारे वो होते हैं, क्लर्क होता है, बेलिफ होता है। सर आज पता देते चल हैं, गया है कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। और उसके अलावा वकील साहब खुद भी होते हैं। वकील साहब तो होंगे ना सर, घर भी चलाना है। जाहिर है, वैसे सही जैसा बात बंदा है। आएगा तो उससे पैसे कैसे निकलवाने सर, ऐसे ही तो नहीं, निकलवाने हैं। एक बात है ना, एक बात है, सोचने की बात है। देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जितनी आपको कंसल्टेंसी फीस बोलता है, जितने ऑपरेशन में बोलता है, कभी उसके साथ तो बार्गेनिंग नहीं होती है। सर उसके बाद एक और बात भी होती है ना, जो दवाई जो हमें प्रिस्क्राइब करता है उसके भी वो पैसे लेते बिल्कुल, वो हैं। बाद वाला स्टेप मलेशिया आता है, वो बाद में आता है सारा कुछ। तो ये सारी चीजें जो है, जब सैंपल्स आप बेचता है वकील के सर। पास जाते हैं, तो आप कहते हैं बार्गेनिंग करते हैं, तो जाहिर है हर किसी की कोर्ट फीस होती है, वकील की भी फीस होती है। तो सर जी, आप जब लंदन में रहते थे तो वहां पर भी कोई वकील ऐसे ही फीस लेते थे जैसे यहाँ लेते हैं, जहाँ वहां पे उनका कोई अलग से बोर्ड बना हुआ है। मैं अदालतें नहीं गया था, तो मुझे सर नहीं का पता कोई है उस केस बारे हुआ में। नहीं वहां पे, साइन पढ़ के आए वहां से लंदन। हाँ पढ़ के आए, हाँ, केस थोड़ी करके आए। अरे ये बात सही है। बाबा तो उनको तो नोटिस तो होगी ना नहीं यार, नहीं ये नहीं तो नहीं बहुत कम ये फीस केस है, है। तो बात कैसी कर रहे हो अरे बच्चों वाली यार। नहीं वहां पे अलाउ नहीं होता है ना ऐसे बंदों को मैं कोर्ट में बता जाना। देता हूँ, आप आपस में ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं वहां पर गया था पढ़ने के लिए, और हमारी जो डिग्री थी उसमें अदालत से रिलेटेड कोई काम नहीं था। अगर और वैसे मैं अगर मैं क्या अपने बारे में, मैं सही है, मैं भी निभागा हूँ, जाना नहीं हुआ कभी, अदालत के विजिट ही कर लेते और देख लेते कि वहां पे अदालत कैसे फंक्शन करती है या कैसे करती है। लेकिन वो हमें, जैसे हम एज एन ऑर्डिनरी पब्लिक की तरह ट्रीट होते हैं, हम कोई एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते कि जाकर प्रोसीडिंग्स, मतलब वो जो जैसे ये जो मैटर्स होते हैं क्लरिकल स्टाफ से करना बात, ये ऐसा नहीं था। तो ये है कि हाँ, मेरा अपना कोई कसूर है कि कभी गया नहीं मैं। दूसरी बात यह है कि लेकिन ये कह रहा है कि मैं सिर्फ वहाँ पढ़ने की नीयत से हम गए थे, तो जाहिर और वहां जाना भी नहीं था अदालत, तो इस वजह से वापस आ गए, बस यही था। हाँ, अगर कोई केस होता फिर तो लाजमी जाना होता। तो सर ये है वैसे भी ये मामला। क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन मॉरलिटी है। अब उनके क्या मॉरल्स हैं, हमारे क्या मॉरल्स हैं, तो वो है। सर जी, हाँ, सर ये तो बहुत कम फीस किसी है ने सर कहा कोर्ट फीस बहुत कम है, तो मैंने। हाँ जी सर, जी अब जी मैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब नहीं इसमें हम सर ये, क्या सर कर सकते हैं। ये तो सर कॉमेडी हो रही है लग रहा है सर। ये एप्लीकेशन इन अपील्स हाई कोर्ट 5 रुपए, एप्लीकेशन इन सिविल केसेस 2 रुपए सर।
सर धंधा बंद करवाओगे क्या यार? यहाँ पे वकील बेचारे 5,000 में 2,000 में बेल करवाते हैं, कोर्ट में 2,000 दे देंगे तो क्या खाएंगे खुद? एजाज साहब पर यहाँ पे इट लुक्स लाइक कॉमेडी भी थे हाँ यार आने सस्ती फीस है तदेप मानुन के फाइ एक्सक्यूजेज है ना महंगी वजह तदेप एक्सक्यूज करना पूरी चंदा इंसाफ महंगो है सस्ती कौन है ये आही मतलब सफा सस्ती है हर माल 10 रुपए कौन हों दुआ इट लुक्स लाइक दैट सही है ना ये सुपर है ना आप देखे ना नहीं एक मिनट आप अभी सिर्फ फिक्स्ड कोर्ट फीस को देख रहे हैं आप यहाँ पर वो भी तो देखे ना कि जो कोर्ट फीस जैसे जो एड वेलेरम है अब आप देखें सूट्स फॉर मनी को देखें अगर आप तो वो क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सूट जी सर सही जी है सर। अब इसके ऊपर मैंने आपको एक बताया था वो हमारे पास दूसरी पिक्चर है वो भी मैं देखता हूँ नजर आई आपको पिक्चर सर वो आई नजर तो हाईएस्ट 15,000 ही होती है ना अब करोड़ का कैसे 15,000 को हाँ करोड़ का अगर आपका केस होगा तो मैक्स आप 15,000 दे करेंगे सही है लेकिन 15,000 से एक्सीड नहीं करेंगे आप अगर 50,000 अगर 50,000 से कम होगा का वो बेटर होगा मतलब जो है मॉनेटरी वैल्यू 50,000 से कम है तो आप कोई कोर्ट फीस नहीं अदा करेंगे मेरे ख्याल में नजर आ रही है शायद आपको आ रही है नजर कोर्ट फीस शेड्यूल सर क्लियर नहीं है सर एक मिनट दोबारा करने कोशिश करते हैं करने की अब एक मिनट अब क्लियर है ये देखे ना नो कोर्ट फी शैल बी अच्छा यहाँ से पढ़े द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कोर्ट फीस इज ₹15,000 नो कोर्ट फी शैल बी पेएबल इन अ क्रिमिनल केस एंड अ केस ऑफ अ सिविल नेचर द वैल्यू ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड ₹50,000 और ये आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपए और एक आना जो है उसके ऊपर कितनी कोर्ट फी लगी है और ऑफ कोर्स ये 2 रुपए 25 आने वाला था हमारे पास तो आने तो अब खत्म हो गए हैं तो हम डायरेक्ट 3 रुपए वाला मार देते हैं कोर्ट फी का सही है जी सर इसी तरह से देखते चले जाए अरे ये एक मिनट ये पुलिस स्टॉप है कॉमा है और से देखे नहीं ये पुलिस स्टॉप नहीं कॉमा है तो पुलिस स्टॉप क्यों लिखा हुआ है इन्होंने इसको This is very strange. बहरहाल ये पोजीशन है अब आई हैव नो आइडिया फुल स्टॉप क्यों लिख रहे हैं इसको होता कॉमा है सर परसेंटेज होता है ना तो परसेंटेज निकालने मे बी परसेंटेज हो नहीं लेकिन परसेंटेज तो है वो एक मिनट परसेंटेज वाला कहाँ गया पैराग्राफ ये रहा ये किया इस प्रॉपर तरीके कार जो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स देयर इज एम्बिग्युइटी और मिस्टेक भी हो सकती है यहाँ पे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मिस्टेक्स बहुत हो जाती है हमें प्रॉपरली जो इसका जो प्रॉपर तरीके कार है देखने का आपको कोर्ट फीस का एक्ट देखना होता है उसमें से प्रॉपरली सारा कुछ ले डाउन हुआ होता है वहां पे सही होता है बताया हुआ और वो भी हमारे पास अगर किताब हो प्रॉपर तो उसमें होता है मसला ये है कि वही पुराने भी आई महमूद का मैंने किताब उठा कर देखा उसमें वो अभी तक आने चला रहे हैं हालांकि आने हमारे मुल्क से ख़त्म हुए ज़माना हो गया है और पता नहीं कहाँ आने मिलते हैं अशोपीस के तौर पे होता है लेकिन वैसे तो आना कोई भी नहीं लेता है अब तो बहरहाल ये चीज़ है हाँ जी अब ये कम है ज़्यादा है जी जी बताएं सर डायरी का कहा था आपने ये डायरी में से ही तो है सर अब वो मैंने समझा उसमें इनफॉर्मल भी होगी लिखी हुई नहीं फॉर्मल नहीं है ये डायरी में से ही है ये डायरी पिक्चर जो है डायरी में से ही ली है सही है सही है सर जो ये पॉइंट्स में लिखी हुई है जैसे 2.025 वकील तो सर डिफरेंट केस उसके पास तो केसेस बहुत होते हैं ना मतलब दिन में कोई एक तो एप्लीकेशन फाइल नहीं करता होगा तो वो उस हिसाब से मतलब
वो फीस तो उसके लिए तो जब उनको पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो प्लस करेंगे तो वो उसके हिसाब से तो वो सम्स हो जाएंगे, सही हो जाएंगे सम्स। पॉइंट नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज कॉमा, कॉमा है, क्योंकि से आप डॉट दिए हुए अगर, एक मिनट मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखाता हूँ, उसमें दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें ज्यादा क्लियरली होगा। डॉट पॉसिबल नहीं है ना, ये डॉट हो, क्योंकि अगर आप ऊपर वाली लाइन पढ़े, इट इज नॉट अ डॉट एक्चुअली। ये नजर आ रही है पिक्चर? जी सर हाँ, आ रही है, पर आप जी ये सर मुझे कॉमा बताएं, है। ये मुझे बताएं, ये मुझे बताएं, ये डबल डॉट, ये कैसी न्यूमेरिकल फिगर हुई? ये तो जाहिर है कॉमा है। सर मतलब इसको सर इधर कॉमा इंटरप्रेट करना है हाँ, पता नहीं इन्होंने डॉट क्यों रखा है, मेरी समझ से बाहर है। तो सर, देखे ना, ये अगर आप सर परसेंटेज ऊपर, अरे तो नहीं रखा है इन्होंने। परसेंटेज नहीं है भाई, परसेंटेज होता तो ऐसे थोड़ी होता, प्रॉपर कोर्ट फीस तो परसेंटेज पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ना, ऊपर यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ सूट रुपीस इतना, प्रॉपर कोर्ट फी इतनी, और यूं चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखें, एक मिनट वापस उस पिक्चर की तरफ जाए। वेयर इज दैट पिक्चर? हाँ भाई, स्क्रीन एक को एक ये देखें, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कोर्ट फी इज ₹15.000। तो ये डॉट ही है, और क्या है, कॉमा होना चाहिए, डॉट लिख दिया इन्होंने। अब उधर कॉमा लिखा हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इधर देखिए, मतलब फ्रॉम रुपीज रुपीज 30,001 रुपया से ₹60.00 इतने जीरो, तो वैसे ही लिख देता, डॉट लगा के क्यों लिखने की जरूरत थी? अरे, बस सर वो वैल्यू के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं। वो अब असल में क्या होगा कि वो नशी की हालत में उसने लिखा है, किसी ने, तो उसको ये नहीं पता था कि डॉट कहाँ पे लगाना है। अच्छा, अब आप ये देखें, द लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम ₹25,000। अब यहाँ पर जो है, कोई डॉट कोई कॉमा कुछ नहीं है, होपफुली नजर आ रहा हो, ब्लर्ड है ट्वेंटी जरा। फाइव थाउजेंड में नहीं है सर। हाँ, डॉट में, हाँ डॉट, ना डॉट है ना कॉमा है। और इसको क्या क्या कह रहे हैं, टू कब तक हुआ है, टू एग्जेम्पशन 50,000 ₹50। अब इसमें देखें तो ऑफकोर्स ये अपनी जगह, ये डॉट कॉम, इसी वजह से मैं आपको कह ये कहा मैंने कि बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक्स की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, इस वजह से प्रॉपर जो लॉ है वो प्रॉपर लॉ में आप जाके देखें। अगर वहां पे भी गलती ना हुई भी हो, अल्लाह भला करे वहां पे गलती ना हुई भी हो, तो फिर उसमें ये होता है। वैसे प्रॉपरली जो सही सही जगह जहाँ पे गलती नहीं होती है, कंफर्म जहाँ पे गलती ना हो, क्योंकि ये किताबें भी झूठ बोल देती है अक्सर औकात, या पुराने एडिशन होते हैं वही चला रहे आ रहे होते हैं। अभी मैंने महमूद का पता नहीं कौन सा एडिशन उठाया था, और देखना पड़ेगा, उसमें भी उसमें आने में चल रही है बात। तो द प्रॉपर प्लेस जहाँ पे आप प्रॉपर लॉ देखते हैं वो है आपका ऑफिशियल गजट जो होता है, उसमें आपको नेक्स्ट टू निल चांस होते हैं गलती के। ठीक है, सर अगर गलत लिख लेते हैं फीस तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, फिर तो वो मसला होता है ना कि फिर आपका वो कोर्ट फीस प्रॉपर आपने पे नहीं की है, कम पे की है, ज्यादा बन रही थी, ज्यादा पे मसला नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी शायद बात, ज्यादा अगर आप पे करते हैं देर इज नो इश्यू एट ऑल, क्योंकि आपने जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उसके ऊपर आप अगर पे किया है वापस नहीं मिलेंगे, वो एक अलग बात है। तो लेकिन ये कि आपने प्रिस्क्राइब अमाउंट चूंकि पे कर दिया तो देर इज नो इश्यू एट ऑल, लेकिन आप कम पे करेंगे तो देन अदर पार्टी के पास ये ग्राउंड मिल जाता है कि आपकी उस एप्लीकेशन को या सूट को डिसमिस करवा सकते हैं वो, एज मेंशन्ड इन सीपीसी। वो तो खैर मेन केस का मेंशन है, लेकिन ये कि आपके सामने ग्राउंड दिया गया ना वहां पर,
सर सर जी जी सर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 6 लाख सर 82.5%, तो सर ये जो परसेंटेज है ये पहले से डिसाइड होती है या फिर वो मतलब कोई रूल या प्रोसीजर है इसका या फिर इसको रेंडमली अपॉइंट करते हैं या रखते हैं सर? कोर्पी सेट से लिए आवाज आई है मेरी? जी जी सर। हाँ तो ये है साहब, चलो जी ये फिर ये है। अब हम देख लेते हैं एक आज जो 7-11 की जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि मेनली वो मेन चीज है वो, और मैंने आपको उस दिन बताया था कि 7-11 की तो आपने एप्लीकेशन देख ली जो अभी हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ये क्या हो गया? तो अभी जो आपके पास है सामने, मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। वो है काउंटर एफिडेविट, ये नहीं हुआ है ना पहले? जी बताइएगा सर, लास्ट क्लास में तो शायद नहीं हुआ। नहीं उससे पहले नहीं, नहीं, किसी नहीं। क्लास में नहीं हुआ है ना? ठीक है। दिस इज अ रिप्लाई ऑफ एनी एप्लीकेशन जिसका आप रिप्लाई करते हैं वो काउंटर कहलाता है। सो अब हम इसको देखते हैं कि काउंटर एफिडेविट मोर और लेस पैटर्न वही है, तो सिर्फ आपके आप एज द जो रिप्लाइंग पार्टी होती है आपको ये तरीके कार फॉलो करना होता है व्हेन गिविंग अ रिप्लाई टू अ मिसलेनियस एप्लीकेशन। ठीक है, आपको कोई एप्लीकेशन तो फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली सबमिटिंग अ रिप्लाई, तो आपका रिप्लाई जो है वो ऐसे होता है। पर देख ले क्या है, अब वन देखें बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग, तो हम शुरू से देखते हैं। जी पढ़िएगा। हाँ जी एजाज पढ़े। एजाज क्या हो गया? मैं भी सो जाता हूँ। सर वो किसी और को बोले, मैं थोड़ा काम में हूँ, कोई बंदा आया हुआ है अभी स्कूल से। चलो अजहर आप पढ़े। जी सर, जी सर। काउंटर एफिडेविट टू द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। 1, अच्छा, बशीर गुल सन ऑफ दरिया परवेज गुल मुस्लिम एडल्ट आरओ कराची बेरिंग CNIC नंबर डू हेयर बाय ऑन सोलम ओथ एंड अफर्मेशन स्टेट एंड सबमिट एज अंडर। आई से दैट आई एम द प्लेंटिव हेयरिन एंड एज सच एंड इवन अदरवाइज एंड फुली कन्वर्जेंट विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। 2, आई से दैट आई हैव बीन रीड ओवर एंड हैव बीन एक्सप्लेन्ड द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशंस under the rebuttal and state that the contents thereof are denied in totality unless expressly admitted herein. 3, I said that the application under rebuttal is frivolous and has been made with the intent to degrade this honorable court from the real and true controversies of the instant case. I am advised to say which advice I verily believe to be true, correct and accurate, that at such an early stage, only the contents of the plaint are to be considered whilst adjudicating upon an application or under Order 7, Rule 11 of the Civil Procedure Code, and hence the application is devoid of any legal substance and thus merits dismissal in limine. I say that it is now settled law that computation of limitation for the purpose of cancellation of a document shall commence from the date of knowledge of its existence. As such, in the instant suit, knowledge regarding the existence of the impugnated documents
was made known to the plaintiff through suit bearing number 1212-2007, also pending disposal before this honorable court. I state that the impugned documents have been forged, fabricated, and manufactured by the defendant number 1 in order to cause the plaintiff wrongful loss and devastation, and hence adjudication of the illegitimacy of the impugned documents can only be made through the process of adducing meaningful evidence, and the discharge of such onus lays heavily on the defendant number 1. 5. I say that the cause of एक मिनट अदर, ये पॉइंट चार वाली क्लियर है सर? ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो फर्स्ट हैं, फैब्रिकेटेड हैं सर, ये इसमें तो ये बता रहा है। बस यही बात है, इतना बड़ा पैराग्राफ है उसमें, इसमें एक ही बात लिखी है। और सर ये जो लिखा हुआ है प्लेंटिव थ्रू सूट बियरिंग नंबर भी है सर इसमें, और लॉस डेविस्टेशन के लिए सर इसने ये किया है, फैब्रिक ये सारा कुछ नुकसान पहुंचाने के। चलो किसी और से मैं पूछता हूँ जी, कोई और बताना पसंद करेगा? सर लिमिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पे भी कहा गया कि डॉक्यूमेंट की लिमिटेशन तब शुरू होती है जब वो एग्जिस्टेंस होता है। कोई और बताएं सर, इंस्पेक्शन ऑफ डिस्कवरी भी ऑर्डर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अरे इंस्पेक्शन ऑफ डिस्कवरी की बात ही नहीं है, पहले तो ये वाले बात करें। डॉक्यूमेंट जब्त हो रहे हैं यहाँ पर कुछ, और कुछ जो है जब्त कहाँ हो रहे हैं? जब्त कहाँ हो रहे हैं? जब्त करने का बताया ना, जब्त कहाँ हो रहे हैं? हाँ एक मिनट, पिछला पैराग्राफ समझ में आया है? एक मिनट, पिछला पैराग्राफ समझ में आया है? थ्री वाला सर, उसमें तो ये कह रहा है कि यानी कोर्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है सर। थ्री में ठीक है, अब फोर जो है वो जरा काम का, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे तो मटेरियल बात हो रही है। हाँ जी बताएं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है लेकिन उसके अलावा भी कहाँ पर कैसे किस जगह, थोड़ा सा समझाएं तो सही, बताएं तो सही, सब बात है एक्चुअली क्या हो रही है। लिमिटेशन की पहले बात बताइए कि लिमिटेशन की क्या बात हुई है सर? उसमें ये है कि कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन का बता रहा है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कब होता है सर? जब आपको उसका नॉलेज हो जाता है सर, तो तब वो कैंसिलेशन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है। Now, इससे यहाँ पर एक चीज का अंदाजा होता है हमें कि from this reply, देखिए याद रखें कि हर किसी का बनाने का स्टाइल अलग होता है, लेकिन बजाय जो यहाँ पर जो रिप्लाई लिखा हुआ है उसमें हमें ये अंदाजा हो रहा है कि जो जो सामने वाली पार्टी है, that party being the defendant, उन्होंने 711 की एप्लीकेशन में जो मेन ग्राउंड लिया है वो लिमिटेशन का लिया है, और लिमिटेशन में कैंसलेशन वाला जो पार्ट है वो जो डॉक्यूमेंट का है उसका लिमिटेशन का ग्राउंड लिया है। ठीक है, जो कहे सूट आपको जब आप कैंसलेशन के लिए केस फाइल करते हैं तो कितने अरसे में आपको जो है वो लेकर आना होता है केस, उसका पीरियड प्रोवाइडेड है उसमें, उसका उन्होंने ग्राउंड लिया है कि ये केस उससे बाहर निकल रहा है लिहाजा सूट को डिसमिस किया जाए। अब आगे क्या बात हो रही है? अब तो हमें बात पता चल गई कि जो एप्लीकेशन 711 की फाइल की गई है दैट इज फाइल्ड फॉर
डिसमिसल ऑन द पॉइंट ऑफ कैंसलेशन वाला जो पॉइंट है उसके प्रति आप इंस्टेंट केस में क्या बात हो रही है सर के प्लेंटिफ को पता था कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्प्यून हैं और वो उन्होंने डेट भी दी हुई है और उसकी जो सूट था उसका भी बताया है पर फिर भी उसने जो है वो यूज किए नहीं कोई और बताए सर इसमें ये यही कह रहा है सर कि उसकी जो फैब्रिक यानी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फैब्रिकेट है और वो मतलब इसलिए किया गया है कि उसको लॉस पहुंचाया जाए ये डिफेंडेंट के बारे में हो रहा है सर प्लेंटिफ के बारे में नहीं सर अरे भाई डिफेंडेंट के बारे में कहां से हो गया प्लेंटिफ के बारे में अगर हाँ जी जी सर प्लेंटिफ के बारे में ही और लीजिटिमेसी भी यहाँ पे आ रही ना सर एजुडिकेशन ऑफ द लीजिटिमेसी सर अरे भाई पहले एक नीचे ना जाए ना पहले ऊपर रहे ऊपर बताए कि प्लेंटिफ को कब पता चला कि डॉक्यूमेंट्स इंप्यूड है सर थ्रू दिस सूट साथ में पता चला है ये जो सूट बियरिंग नंबर जो है 12 जो सूट नंबर है उसके तहत ठीक है तो बिफोर जो भी ये इंस्टेंट केस फाइल हुआ है हां बिफोर दिस इंस्टेंट केस वाज फाइल्ड इससे पहले द डिफेंडेंट हैड नो आईडिया के सॉरी द प्लेंटिफ हैड नो आईडिया के जो है क्या कहना चाहिए प्लेंटिफ हैड नो आईडिया के सच डॉक्यूमेंट्स वर आल्सो अवेलेबल उसका उसको पता ही नहीं था तो जब वो क्या कह रहा है कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज कब हुई है मुझे इनकी नॉलेज हुई है जब ये इन्होंने इस पार्टी ने जो डिफेंडेंट है इन्होंने इसको इस पुराने सूट में पेश किया गया था जो कि अभी तक पेंडिंग है फॉर डिस्पोजल फॉर द ऑनरेबल कोर्ट मेरे ख्याल में हाई कोर्ट है उनके सामने पेंडिंग है ठीक है क्लियर हुई बात जी सर जी सर आप जब बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन लिमिटेशन नॉलेज से स्टार्ट होगी तो आप बताएं भी तो सही ना कि कब से हुई है आपकी इलम में कब आई है और इलम में उसी साल आई है तो फिर तो लिमिटेशन का सवाल ही कैसे बनता है एटलीस्ट 3 तो रखे ना आप जेन में वी हैव नो आइडिया कि एक्चुअल पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है लेकिन चले दीज आर वन ऑफ दोस केसेस जिसमें 3 या 6 होती है तो 3 अगर है तो अभी तो उसी साल में सूट फाइल हुआ है तो उसी साल में लिमिटेशन कैसे पूरी हो गई ठीक है जी सर अब आगे जो बात है आगे प्लेंटिफ सेज के जो बातें आगे की हुई है कि ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करने से वो उसका एक लीगली एक्रूड राइट है उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्या है और इसमें व्हाट द प्लेंटिफ इज सीकिंग के जब ऐसा इश्यू आता है तो हमेशा प्लेंटिफ की यहाँ पे कोशिश होती है ये आपको अक्सर औकात प्लेंटिफ के तौर पर दिखाई देगा जब आप भी जब प्लेंटिफ के बयाह पे सूट लेकर आएंगे या आप डिफेंडेंट की तरफ से जो है देख रहे होते हैं प्लेंटिफ अमूमन की कोशिश होती है कि जहाँ लिमिटेशन का ग्राउंड अराइज हो रहा हो वहां पे किसी तरह से मैटर को एविडेंस की तरफ ले जाए और क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट रेस कर रहा है ये पॉइंट तो एविडेंस की तरफ ले जाए ठीक है क्लियर हो गई बात जी सर अच्छा जी अब अगला पॉइंट पर है हमें पता चल जाता है क्लियर कि आगे जो बात नॉलेज वाली जो बात है वो कैसे हो रही है देखें क्या कहता है नंबर 5 आई से दैट The cause of action has acquired to the plaintiff since the filing of suit bearing number 1212-2007, wherein the defendant number 1 has produced fabricated and concocted documents annexed with the memo of plaint in order to lay ground to a false and groundless claim. I further state that the ons to prove the impeached documents to be true, correct and accurate lays heavily upon the defendant number 1. As such, the defendant number 1 has failed to thus far produce any evidence of substance in order to confirm the defendant number 1's false and
factious claim. It is humbly submitted that such owns can only be discharged by the procurement of documentary evidence by this honorable court, which process requires the adducing of statements and cross-examination as per the procedure as laid down by the Civil Procedure Code in the Kanun-e Shahadat Order 1984. सही है, क्लियर हो गई बात? जी सर। इधर क्या बात हो रही है? चलो अगला वाला पैराग्राफ देखें, आप लोग इसी में 3.5 मिनट लगा दोगे। अच्छा जी, अगला वाला पैराग्राफ देखें, इसको वाइंड अप करें जल्दी। I say that the application under rebuttal itself raises a question of fact, which facts need to be proved and are verified as mere allegations do not merit any consideration before a court of law and are contrary to the settled principle of justice and equity. I state that given the peculiar circumstances of the case, it has become mandatory that a full and proper trial to be conducted, and the matter may then be resolved on the basis of the evidence produced by the parties respectively. I further state that the proceedings, given the legal requirements, do not merit entertainment of the application under Order 7, Rule 11 of the Civil Procedure Code, and hence the application stands to be dismissed with the exemplary cost, so that the defendant number one is restrained from making any such frivolous request in the future course of proceedings. ठीक है, clear है? जी जी सर, जी सर, ये तो clear है। चलो जी, सही है। तो ये है आपका application under जो उसका जो रिप्लाई है 7-11 का, उसका रिप्लाई है ये। कोई सवाल पूछना है कुछ भी? अच्छा, इसके साथ एफिडेविट नहीं लगेगा, ठीक है? सही है जी, जी सर, सही है। स्पेशली इसी एप्लीकेशन के साथ नहीं लगता है, दूसरी भी है सबके साथ, क्योंकि ये काउंटर एफिडेविट है। This itself is an affidavit, a kind of affidavit. अगर आप देखें, ये देखो, क्या है? सही है? Clear हो गया? जी सर। तो इसको फिर यहाँ तक रखते हैं, फिर अब आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तो उसमें फिर जो है हम कुछ और या तो यही कंटिन्यू करेंगे, और अवेश साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हम तलाक का केस देखेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जी, फिर सी यू ऑल टुमारो, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। सर, इन एप्लीकेशन का